हे राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो भाई फाइनली रात बढ़िया निकल गया, सब हम लोग तैयार बैठे हैं निकलने के लिए। तो अभी चल के थोड़ा सा नहाते हैं, यहाँ पे गर्म कुंड है, गर्म पानी में फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा घुमाई करेंगे क्योंकि इस एरिया में हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। देखते हैं, एक दिन पहले ही होता है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑथेंटिक कर लेना पड़ेगा। चलो देखेंगे, मिलेगा तो ठीक है। पर दो दिवाई है को कटोरा आगे सजा भाई है, दो चार कटोरा दिवाई, वाह बैठ वाह। ठनका इधर इधर गरम का है, वहां से जाके ऐसे जाके इधर गरम पानी, गरम कुंड ऊपर है। कहने में जा लगे भाई, कहने में ओ पर से ओ है ना, पैर उठे तो ना मुझे पैर उठते हैं ना। मेंढक जिला सुना है कभी ऊपर खोलना है इसमें, वहाँ यहाँ कहीं भी पूछ सकते हैं, अंदर से है वहाँ। इधर ही इकट्ठा करना है, भीड़ तो बड़ा तगड़ा है। अरे वैसे करो
तो रात में सारी चीजें बंद हो जाती है, दिन में ओपन होता है, तो देख लो क्राउड तो है। खैर सवेरे सवेरे अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, अभी 7:30 ही हो रहा है, तो चल रहा है इधर गर्म कुंडा, गर्म पानी आता है पहाड़ों में से निकल के डायरेक्ट, तो नहा लिए हैं, अब देखते हैं कहाँ जाना है आगे, आगे का प्लानिंग करते हैं फटाफट। तो चलो भाई एक जगह तो हो गया डन, बैठ के गाड़ी में हो गए लोड, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर उसके बाद फिर प्लान करते हैं आगे का। इधर मैंने निकाला है लो भैया, सफर होता स्टार्ट एक दूसरे का, दूसरे जगह का सफर कर रहे हैं। एक पहाड़ है 3 किलोमीटर का पहाड़, और चढ़ाई तो है मेरे ख्याल से बढ़िया, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। अभी वाला सिस्टम चालू नहीं हुआ है, 9:30 के बाद इतना हम तो चढ़ जाएंगे, है ना। खा लिया ज़्यादा यार, प्रोटीन पी लिया, ऊपर से एक और चीज़ पी लिया, पूरी खा लिया भारी हो गया मैं ऐसे बहुत ज़्यादा। चलो सब पच जाएगा, अभी 15% 20% एक बार वैसे कितने सामान में तो आते पड़ते हो, तुम कभी कब हमारे से ना पूछे बात पानी बोतल ले लिया, ठंडा पानी बोतल ले लिया 10,000 में किसी देख के लगा के दो कल 2 मीटर आए 2 मीटर। तो भाई आधा ही चढ़ने में हमारी तो फट गई, सीधा पहाड़ है वैसे बिल्कुल सीधा, और 3 किलोमीटर ही है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा लग रहा है, खड़ा पहाड़ है बिल्कुल, हालत ख़राब हो गई सबके सबके, पसीने देख लो हवा चल रही ठंडी ठंडी लेकिन पसीने नहीं रुक रहे। ओप एक तो खा लिया ज़्यादा, शॉर्टकट ले लिया भाई हमने, शॉर्टकट बारिश हुआ हम तो पानी आता होगा इधर से ना। लड़की है ना पहुंचा देता कभी कभी सामान ऐसे ही सब दिमाग आता कितना भोले का तभी पर हमने आए कहा लगी थे ऊपर कोची है वो मंदिर है हां और कुछ है भाई बुद्ध भगवान का छोटा मंदिर है बड़ा बहुत बड़ा छोटा बुद्ध भगवान ओकरा लगे नहीं मुझे इतना दूर मेहनत कर रहा है तो ऊपर कुछ नहीं है भाई तो हम बीच में से जा रहे हैं हमारा टूर यहीं पे समाप्त अब अगला कहीं प्लेस पे चलेंगे ऊपर कोच है गए हैं पहले हां ऐसी है मंदिर है तो कैसा है ऊपर से और का पूरा पहाड़ी एरिया आता है ए महाराज मंदिर है अच्छा लगेगा चल फिर चलो अब इतना चढ़ गए थोड़ा और कितना और रहेगा बस आधा दूर आ गए हैं आधा ज्यादा आ गए हैं अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं हम तो भींग गए पूरा चल बैठे से होता है तो भाई 3 किलोमीटर का आ गए 7 किलोमीटर चढ़ा दिया ऊपर अब कह रहा है 10 मिनट पहले ही से सब कोई बोल रहा है कि आधा पहुंच गया आधा पहुंच गया साला अभी खत्म ही नहीं हो रहा उन्हीं के पहाड़ में ना शॉर्टकट मार के आ रहे हैं देखो हमने तो मेन रूट से आ भी नहीं रहे ना तो अभी आओ पीछे रहते ऐसे ही थकते थकते पहुंच जाएंगे मंजिल तक माल दिखाई दिया ना मैं समझ रहा है दुनिया जाए हम तो चले पहाड़ में तो भाई पहुंचने ही वाले हैं यहाँ तो सरकारी स्कूल के फंड से बच्चे घूम रहे हैं ठीक हम ही एक ना लायक रह गए जो हमने सरकारी स्कूल में सही से पढ़ा नहीं हमारा मास्टर भी लेके आए थे कभी उस टाइम पे इतने छोटे थे कि कुछ याद ही नहीं था कि घूमा जाता है यहाँ पे या दौड़ा जाता है भागा जाता है खैर अब अपने बलबूते पे घूम रहे हैं भाई ए माल के फोन आ गया माल के बस ये लंगूर है बड़ा पोंछी वाला करिया मुंह वाला करिया गांड वाला और दोस्त क्या हाल चाल ठीक ठाक तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे बौद्धिस्ट धर्म वो मानते हैं ना तो बुद्ध भगवान का मूर्ति है भाई यहाँ पे शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ चाइनीज में लिखा हुआ है
बौद्धिस्ट। ओके वाओ, तो यही प्लेस है भाई, इसके लिए हम इतना मेहनत किए थे देखने के लिए। ठीक ओके, भाई नीचे खाई ज्यादा है, थोड़ा रिस्की है। अबे तू बड़े वाला लेंस चढ़ा रहा था तू? यहाँ पे गौतम बुद्ध का सारा कुछ बनाया हुआ है, हालांकि इतना खैर समझ में तो नहीं आया कुछ, क्योंकि लिखावट यहाँ का अलग ही है पूरा, है ना। देखो वीडियो ऐसे बन रहा है, व्यू बड़ा तगड़ा, देखो जबरदस्त। तो घूमने वाली प्लेस तो बढ़िया है, अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। चलो भाई घूमाए, देख लो पसीने से भीगा हुआ टी शर्ट और कमर चेंज हो गया। खैर अब चलो दूसरी जगह चलते हैं, प्लेस ठीक था, बहुत ही बढ़िया प्लेस का मज़ा आया। अब आगे का चलते हैं कुछ देखते हैं। तो वही इधर है ना पूरा तकरीबन ऐसे से गया बोध गया, ये राजगीर, इधर गौतम बुद्ध को लोग बहुत मानते हैं। देखो कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर हो गई, 50-60 फुट से ऊपर का होगा ना, 80 फुट वाला मूर्ति यही है क्या? नहीं, ये वो तो दूसरा ना, वो तो बोध गया मैं ना, ये दूसरा नया बन रहा है, अभी बन ही रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है। ये पूरा आश्रम जैसा बनाया हुआ है ना, ठीक ठीक, अभी काम चल रहा है, देखो ऊपर काम कर रहा है, बढ़िया बना रखा है। यही 80 फीट वाला है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो दूसरा है, और बड़ा है ना। हाँ अभी तो काम चल रहा है, इसमें तो काम चल रहा है, इसमें कुछ है कहाँ, देखो बन ही रहा है यार, अब तो अभी तो काम चालू है इसमें। चलो अभी चलते हैं, बहुत गए ना वहाँ घूमेंगे। वो यहाँ जो खाना वाना खाते हैं, 12 बज गया भाई, थक गए साला पहाड़ पे चढ़ चढ़ के ना। चलो करो ऑर्डर, करो क्या कर रहे, दाल भात पापड़ मस्त खाना भाई, खाओ और मजे लो यार। मसाला खाते खाते यार मन भर गया, मन भर गया, मन के शांति के लिए सारा कुछ चाहिए। चलो खाओ पापड़, खाओ पहले। ए कान्हा जी, करिया करिया कान्हा जी सुदामा गोर था यार, है ना ब्रदर, न तो कान्हे जी में आ रहा है न सुदामे में आ रहा है, यहाँ को काली माता के उंगली ना था, काली माता जो रक्षस कौन हमला करता काली माता पे। हाँ नहीं नहीं नहीं, भस्मासुर तो बहुत बड़ा हो गया ना, वो छोटा मोटा। चलो भैया चल रहे हैं सासाराम, यहाँ का मशहूर जगह सासाराम में पहुंचे, पहले चलेंगे देव, वहाँ पे एक धाम है बहुत बड़ा, देव देवकुंड और मोसरमा, तीन धाम है बिहार में फेमस, जो कि सावन में और छठ पूजा में सबसे ज़्यादा छठ पूजा में भीड़ लगता है उधर। देखते हैं, मैं तो कभी घूमा नहीं हूँ, बस देवकुंड तो अपने पास ही है तो वहाँ तो घूम लिया, मोसरमा भी गया हूँ, पर देव कभी नहीं गया। चलो देव की नगरी में पहुँचते हैं। अरे नहीं, हम लोग तो आदमी है तो भाई पहुंचे हुए हम लोग, देखो देवधाम यही है, जाना वाना मंदिर है,
छठ पूजा में भाई यहाँ पे आने वाला नज़ारा देखने लायक होता है। छठ पूजा में तो मैं रहूँगा नहीं, दशहरा बिता के हम तो वापस चल जाएंगे, कि काम भी तो देखना ज़रूरी है, बॉडी बनानी है, गेम खेलना है, अब यहाँ से जाकर तैयारियाँ स्टार्ट करेंगे। तो अभी घूम ले रहे हैं, फिर तो छठ पूजा का टाइम में तो भीड़ ही रहती है इतनी कि बस आ गया कोई। तो भाई बाढ़ आने का रीज़न यही है बिहार में, देख लो, ये मेरे ख्याल से नेपाल से जब बारिश डैम खोलते हैं तो यहाँ आता है, इसमें पानी भर जाता हर तरफ, और यहाँ से खोलते हैं तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। उधर तो सूख गया, पानी कम हो गया। लोग ये जो मंदिर है कहा लो भैया, हम बिहार में तो भ्रमण कर रहे हैं, धाम ही धाम घूम रहे हैं, है ना। चलो वाटरफॉल भी है, चलो नहाते हैं हमें झरना में। चोट तो ना लगता है, चलो। तो लो भाई पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग लगाते हैं, वाटरफॉल में स्नान करते हैं, है ना। ये मेरा दिल ए दोस्तों, अपनी गाड़ी दूर खड़ा करके देखो, रिक्शे में धक्के खा रहे हैं। तो कभी भी टूर पे निकलो तो सोच समझ के निकलना भाई, धक्के तो खाने ही पड़ेंगे, बिना धक्के खाए कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। तो अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं बैटरी वाले रिक्शा से, अब पांच सवारी का सरकार अप्रूवल देता है, हम पर हम छः सवारी हो गए, और फिर भी एक ही रिक्शा में जा रहे हैं, अब सिर्फ नहाने जा रहे हैं नहाने। अच्छा पहाड़ होता ना जैसे नीचे मिट्टी होता हो, धस जाता, ये पक्का पहाड़ है। चल तो चार बूंद दे पाएगा ना। देखो भैया वाटरफॉल देखो कैसा हो रहा है, क्या चीज का टिकट हो, नहाने का टिकट लगता है क्या, नहाने का टिकट लगता है इधर से। अरे अरे बांद्रा के देखी ना, ले चल गाड़ी, हम डाल के डिक्की में कर, ऊपर कितना ले पैसा है, हाँ आते टाइम ले लेंगे, कैमरा नहीं लाया ना, चलो फोन में से हो जाएगा, सिनेमैटिक मोड लग रहा है जैसे कि राफ्टिंग करे आ रहे हैं पहाड़वा में। अच्छा हाँ पकड़े लगे, बहन चो हम नहीं पता बीच जाता के नहीं हाथ है, हाँ वहाँ पे अभी पानी कम है ना, पानी जब ज्यादा रहता है आप तरफ ना के हाथ क्यों बाहर मारेगा, ये तो सब पूरा पानी से भर जाता होगा, ये सब डूब जाता है, पोलियो वहीं जो टाइम पास है बना वाला पूरा। चलो वहाँ तो उन्हें बेकार हम नहीं गए थे, विवेक उन्हें क्या कर रहा है। अच्छा ये बंदरा पानी पीत हुआ, ये मंकी बॉय, हम तो सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए, कहाँ हो गया था बॉडी तो जल्दी हो,
सब साला बड़ा भयंकर पूल है यार, ऐसे ऐसा कर तो थोड़ा तीन बार ऐसा ये।